हेलो जो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की क्लास में। तो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो नया साल आपके लिए आया है, ये आपके लिए एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा लेकर के आया है। बिल्कुल, तो नए तरीके से आपको एकदम जबरदस्त पूरे जोश के साथ खुद को भर लेना है और अपनी पढ़ाई को करते रहना है बच्चों, ठीक है। तो टर्म टू में पूरी एनर्जी के साथ हमें दम लगानी है, और वो दम लगेगी तब जब आप रेगुलर डाउटनेट की क्लासेस को देखेंगे। और इन क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उन सभी चीजों के हर टाइप के क्वेश्चंस की एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, नए साल का अगर मैं बात करूं तो आज आपका ये दूसरा दिन है, ठीक है बच्चों। तो बेसिक इसको और भी अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि हमें करना यह है कि आपको हर दिन अगर अच्छा बनाना है, आपको देखिए एक साल अच्छा बनता है जब आप उसमें होने वाले 365 दिनों पर जब आप अपना 100% देते हैं। 100% का मतलब यह होता है बच्चों कि भाई आपको खुद से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि भाई हाँ, आज जो कुछ भी किया उससे मैं सेटिस्फाई हूं। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बच्चों बहुत जरूरी होता है। डेली अगर आप देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आप दिन के अंत में जरूर से देखा करो कि कितना समझ में आपको आया है, क्या क्या कमी रह गई है। उन सभी कमियों को आपको नेक्स्ट डे पर कोशिश करना चाहिए कि वो दूर कर सकें। जो गलतियां हुई हैं उनको सही करना है। बस इसी तरीके से हम अपने आने वाले साल को बेहतर बना सकते हैं, और यही काम हमें करना है। हमें हर साल अपना एक, हर दिन हमें अपना एक नया वर्जन लेकर के आना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप देखते हो मोबाइल फोन पर अपडेट आते रहते हैं, तो वैसे ही आपको अपने आप को भी अपडेट करते रहना है, ठीक है। कि कल तक मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा बन गया हूं, अब मैं कल कुछ और बेहतर बन जाऊंगा। अपने आप को बेहतर 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 बनाते चले जाइए, और आप एक दिन इतने बेहतर बन जाएंगे कि दुनिया आपको लोग देख करके बोलेंगे, अरे वाह, इसने तो बहुत ही अच्छा काम कर लिया, ये तो बहुत ही बड़ी आदमी बन गया है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आज आपको बिल्कुल एकदम नए तरीके का एकदम एनर्जेटिक नजर आ रहा होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे टर्म टू का पार्ट है। बिल्कुल, लेक्चर नंबर बेटा आपका 1 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग सभी पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बच्चों आइए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। तो टॉपिक में देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम सीखते हैं। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म या एनथ टर्म अगर हम बोलें, उसके बाद उस एपी के एन टर्म्स के सम, ये 3 कॉन्सेप्ट है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर आपने ये वाला लेक्चर और इसके आने वाले बाद के लेक्चर, अगर सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना हो पाए। आप हर टाइप के क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, सब कुछ इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो बच्चों, इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो, एनथ टर्म और उस पर बेस्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बच्चों आज आपको सीखने को मिलेंगे। बढ़िया, बहुत क्वेश्चन बेटा इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में भी आपका एक चैप्टर होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं। तो 11th में भी ये कॉन्सेप्ट आपके यूज में आएगा। तो अपने बेसिक्स को ऐसे क्लियर करना है कि आगे पर कभी कोई दिक्कत आए ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के साथ, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बच्चों मैं आपको बात करता हूं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस आपने अपनी डेली लाइफ में, अपने आसपास में कई जगहों पर ये वर्ड सुना होगा, सीक्वेंस में रख दो, इनको ऑर्डर में अरेंज कर दो, या सभी बच्चे लाइन से स्कूल की जब प्रेयर हो रही होती है बोल लेते हैं सीक्वेंस में खड़े हो जाइए, है ना। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा आप लोग सुनते हो ना, सीक्वेंस हो गया, पैटर्न हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चों हम सुनते रहते हैं अपने आसपास में। एक एग्जांपल के फॉर्म पर आपको बताता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर ये हमारे पास एक तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट में हमने इसको डबल कर दिया, फिर थर्ड में 3 हो गया। तो यहां पर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, या फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकेंड पैटर्न है, ये थर्ड पैटर्न है, तो क्या आप इसका फोर्थ पैटर्न बना सकते हो? ऑब्वियसली कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे, फोर्थ पैटर्न में एक यहां पर कॉलम और एड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि यहां पर आप पैटर्न को देख रहे हो, पैटर्न
समझते हो ना कि आपने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। इधर पर जैसे कि आप सेकेंड पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले वन सर्किल है, फिर फाइव इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या, ये पैटर्न वन हुआ, ये पैटर्न टू हुआ, ये पैटर्न थ्री हो गया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले एक ब्लॉक था, फिर दो ब्लॉक हो गए, फिर थ्री ब्लॉक हो गए, फिर फोर ब्लॉक, फिर फाइव ब्लॉक। आपसे अगर पूछा अच्छा बताओ नेक्स्ट वाले में क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर नेक्स्ट वाले में आपके पास सिक्स ब्लॉक आ जाएंगे। तो ये सभी क्या है बच्चों, पैटर्न की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो हमें ऐसे पैटर्न, या रियल वर्ल्ड में, पहले मैथमेटिक्स से पहले रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में ना जाने कितनी जगहों पर आप ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं ना बच्चों, दिखते हैं ना अपने आसपास में, कहीं पर आप घरों में कोई स्ट्रक्चर है, डिजाइन बन रही है, आपने घरों की सीलिंग को देखा होगा, तो सीलिंग पर भी हम कुछ पैटर्न वगैरह, सर्कल्स वगैरह लोग अब बनवाते हैं, है ना। तो बहुत जगहों पर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पैटर्न तो वो हो गए जो आप रियल लाइफ में अपने आसपास में देखते रहते हो। इसी तरीके से नंबर्स में भी पैटर्न होता है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के फॉर्म पर अगर मैं बात करूं, या फिर एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, आपसे स्कूल में बोल दिया जाता है ना कि भाई सभी बच्चे प्रेयर में एक सीक्वेंस में खड़े हो जाइए, तो सीक्वेंस में आप देखते हो ना कि जो सबसे कम हाइट वाला बच्चा होता है वो सबसे पहले खड़ा होता है, उससे ज्यादा हाइट वाला थोड़े उसके बाद में खड़ा होता है, फिर उससे ज्यादा हाइट वाला फिर उसके बाद में, और इस तरीके से सभी बच्चे लाइन से एक ऑर्डर में खड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या, ये भी एक पैटर्न ही हुआ, है ना। अब इससे बड़ी हाइट वाला कोई भी बच्चा होगा, क्या वो कहीं पर बीच में आकर के लगेगा? बीच में आकर के लगता है तो उसकी पिटाई हो जाती है कि भाई लाइन से खड़े होते नहीं बनता, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी हाइट क्या है, तो अपने आप इसके पीछे जाकर के खड़ा हो जाएगा, है ना। या और छोटी हाइट वाला बच्चा है तो वो अपने आप सबसे आगे आकर के खड़ा हो जाएगा। तो सिक्वेंस या पैटर्न हम हर दिन डेली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं मैथमेटिकली इसी को कनेक्ट करूं तो नंबर्स में भी पैटर्न हमें जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों आपके पास यहां पर मैंने फोर पैटर्न लिख रखे हैं, देख पा रहे हो यहां पर आप, यहां पर आप फोर पैटर्न देख पा रहे हो। अब यहां पर आपके पास नंबर्स हैं जो सीक्वेंस में लिखे हैं, यहां पर फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस एंड फोर्थ सीक्वेंस। आपको सभी सीक्वेंस में कुछ 8, 8, 9, 11, 14, 18 इस तरीके से नंबर लिखे, उसके बाद एक ब्लैंक बॉक्स बना हुआ है। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि ये नंबर्स क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिर ये ब्लॉक में क्या नंबर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जल्दी से बच्चों सारे लोग देख करके बताइए कि फर्स्ट वाले में, फर्स्ट सीक्वेंस में, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, यहां पर भी एक नंबर है कि एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप देख करके बता सकते हो बच्चों कि ये जो 18 के बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्स है यहां पर क्या आएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में, सिमिलरली थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। चलिए बच्चों सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइए कि भाई इन बॉक्सेस में हम क्या फिल करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट टर्म। पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, तो नंबर्स में भी पैटर्न होता है, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे तो नेक्स्ट हम क्या होगा वो हम बता सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बड़े भाई लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये इस टाइप की चीजें पूछी जाती, तो वो भी बताएंगे हाँ पैटर्न पर बेस्ड पजल आती है, वो सब चीजें क्या है, पैटर्न पर बेस्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्व करके बताइए कि इन ब्लॉक्स में आपका क्या आने वाला है, इन ब्लॉक्स में आपका क्या आने वाला है। जल्दी से बच्चों ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके बताओ। वेरी गुड बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके सभी बच्चों को मुझे बताना है, सभी बच्चों को अपना अपना दिमाग लगाना है और ऑब्जर्व करके बताना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बता भी रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या होगा, मैं भी आपको अपना आंसर अब चेक करना। पहले 8 है बच्चों, फिर 8 है, फिर आपके पास 9 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 18 है। 8 में आपने 0 ऐड किया, क्या आएगा? 8 आएगा। फिर सेकंड टर्म में 1 ऐड किया तो क्या आएगा? 9 आएगा। थर्ड टर्म पर 2 ऐड किया तो क्या आएगा? 11 आएगा। 11 में 3 ऐड किया तो क्या आया? 14 आया। 14 में 4 ऐड किया तो क्या आया? 18 आया। 18 में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 23। तो बिल्कुल सही बच्चों, इस प्लेस पर अगर मैं बात करूं तो कौन सा नंबर आएगा इस प्लेस पर? 23। समझ में आया ना बच्चों? अगर इन दोनों में डिफरेंस देखे तो 0 का है, इनमें डिफरेंस देखे तो 1 का है, इनमें डिफरेंस देखे तो 2 का है, इनमें डिफरेंस देखे तो 3 का है, इनमें डिफरेंस देखे तो 4 का है, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा बच्चों? 5 का आएगा। इसके बाद के भी टर्म आप इसी तरह लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? देख पा रहे हो पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो बच्चों? देखा आप सभी ने? तो ये क्या है, नंबर्स में आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सेकंड वाले में देखिए क्या दिख रहा है, देखिएगा बच्चों
23, 27, 31, 35, 39. अगर आप देखिए 23 में आपने 4 ऐड कर दिया तो 27 आ गया, 27 में 4 ऐड कर दिया तो 31 आ गया, 31 में 4 ऐड कर दिया तो 35 आ गया, 35 में 4 ऐड कर दिया तो 39, 39 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो इस प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा, 43 आ जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो तो 97 में से 90 सेपरेट किया, सॉरी 97 फिर 90, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 7 सेपरेट करने पर ये आ गया। अब 90 में से आपने 6 सेपरेट किया, यहां पर देखना बच्चों, 90 में से अगर आपने माइनस 7 कर दिया तो 90 आ गया, 90 में से माइनस का 6 कर दिया तो 84 आ गया, 84 में से माइनस का 5 कर दिया तो 79, 79 में से माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 4 कर दिया तो 74, 74 में से माइनस का 3 कर दिया तो 72, और 72 में से माइनस 2 कर दिया तो हमारे पास 70। देख पा रहे हो बच्चों, ये पैटर्न आपको यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्लियर है, देख पा रहे हो ना, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है बढ़िया से। तो ये पैटर्न है नंबर्स में, इसमें बताइए क्या दिख रहा है, यहां पर बच्चों बताइए 1, 2, 4, 8, 16, 32, इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अगर आप ये आंसर कर पा रहे हो तो वो एक सीक्वेंस है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। आप क्वेश्चन पूछिए खुद से कि अगला नंबर किसका होगा या नेक्स्ट में कौन आएगा, अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हैं तो वो जो नंबर्स आपके पास गिवन है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे, तभी आप आंसर कर पा रहे हैं। जैसे कि यहां पर देखिए 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की पावर 0 को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की पावर 1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, उसके बाद 2 की पावर 5, यहां पर क्या आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बच्चों क्या होता है, क्या होता है 2 की पावर 6, 64, बिल्कुल सही बच्चों, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 64। तो इस तरीके से बच्चों ये आप नंबर्स में पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर पैटर्न की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम ये बता पा रहे हैं कि भाई अगला नंबर क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, ये बता पा रहे हैं। तो अगर आप इस बात का आंसर कर पा रहे हैं तो ऐसे ऑर्डर को, ऐसे टर्म्स को जब हम एक पर्टिकुलर मैनर में हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों, सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है बच्चों। और अगर आप सीक्वेंस में व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला अगला क्या बता पा रहे हो, ठीक है, एक तो होता है कि पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, है ना, एक तो होता है कि पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, दूसरा होता है कि अगला भी आप बता पा रहे हो, तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसका प्रोग्रेशन नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, तो वो बेसिकली बच्चों हमारे पास, इसी को हम प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों, इसी को एक तरीके से हम प्रोग्रेशन भी बोल पाते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा। तो सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ जिसको आपने ऑब्जर्व किया, फिर नेक्स्ट क्या होगा वो उसका प्रोग्रेशन हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए तो एक रूल अगर आइडेंटिफाई कर लिया जो कि बता देगा कि नेक्स्ट क्या है, तो उस रूल को हम बोल देते हैं कि भाई ये प्रोग्रेशन है, ये इसका आगे का टर्न बताता चलेगा। इसको समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। तो ये था नंबर्स के कुछ सीक्वेंस। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रोग्रेशन के बारे में आप पढ़ते हो, और वो स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। पहले एक और पैटर्न देखते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अगर आप देखिए बच्चों तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। फोर्थ टर्म और सेकेंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। यहां पर अगर आप देखिए तो कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स ले रहा है, सेकेंड में से फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड में से सेकेंड का डिफरेंस, फोर्थ में से थर्ड का, फिफ्थ में से फोर्थ का, सिक्स्थ में से फिफ्थ का, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो कितने का डिफरेंस है, 2, 2, 2 का डिफरेंस है बच्चों। तो ये क्या है, है ना, ये भी एक प्रोग्रेशन है। आपसे पूछे कि 15 के बाद क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा 17। 17 के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे 19। 19 के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे 21। तो नेक्स्ट में जो भी आ रहा है बता पा रहे हो, ठीक है बच्चों। तो जब एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स नंबर होता है, वो कांस्टेंट होता है, दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होता है बच्चों, अगर वो कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो, इसमें भी देख पा रहे हो, सिमिलरली आप यहां पर भी कुछ नंबर देख पा रहे हो कि 307, 309, 311, 313, 315, ये सभी क्या है, इन सभी में आप देख पा रहे हो कि सब में
एक कॉमन डिफरेंस है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप के जिसमें भी ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर कॉन्स्टेंट है, वो फिक्स है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए बच्चों अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डेफिनेशन से बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान समझिएगा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, सेकेंड टर्म क्या होगा जब हम फर्स्ट टर्म में एक कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे, थर्ड टर्म क्या होगा जब हम सेकेंड टर्म में कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म क्या होगा जब थर्ड में हम वो कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो कॉन्स्टेंट होता है ना बच्चों, द फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा मैंने वन, ठीक है, वन में अगर मैं सपोज करो माइनस थ्री ऐड करता हूं तो क्या आता है बच्चों, माइनस में टू आता है, माइनस के टू में माइनस थ्री ऐड करता हूं तो माइनस में फाइव आता है, फिर क्या आता है माइनस में माइनस थ्री और माइनस के माइनस में एट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ आपके पास, यहां पर अगर आप देखो तो कॉमन क्या कॉन्स्टेंट में ऐड कर रहा हूं, मैंने इसमें प्लस थ्री ऐड कर दिया, इसमें भी प्लस सॉरी इसमें माइनस थ्री ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने माइनस थ्री ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने माइनस थ्री, एक कॉन्स्टेंट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव हो सकता है या फिर वन फिर फोर फिर यहाँ पर सेवन फिर टेन फिर यहाँ पर आपके पास थर्टीन, एक कॉमन टर्म यहाँ पर मैं ऐड कर पा रहा हूँ जो कि पॉजिटिव है, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर टू 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 टू। अब यहाँ पर अगर आप देखें टू में मैंने क्या ऐड किया, जीरो ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, जीरो ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, जीरो ऐड किया, ये क्या ऐड किया, जीरो जीरो जीरो, ठीक है जीरो। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉन्स्टेंट आप ऐड कर रहे हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, ये तीनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बच्चों, चलिए तो ये बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, फर्स्ट वाले पर अगर ऑब्जर्व करिए वन टू थ्री फोर, तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में वन ऐड किया, सेकंड में वन ऐड किया, थर्ड में वन ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म फाइव सिक्स सेवन एट जाएगा, हंड्रेड थर्टी फोर्टी टेन, तो फर्स्ट टर्म में माइनस थर्टी ऐड किया, सेकंड टर्म में माइनस थर्टी ऐड किया, थर्ड टर्म में माइनस थर्टी, तो इस तरीके से टर्म चल रहा है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, माइनस थ्री में प्लस वन ऐड किया, माइनस टू में प्लस वन ऐड किया, माइनस वन में प्लस वन ऐड किया, इस तरीके से थ्री 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 जीरो 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 जीरो, माइनस वन पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट जीरो, तो सब में क्या कर रहा हूँ, माइनस का पॉइंट फाइव ऐड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यहाँ पर निकल के आ गए। क्लियर है, तो ये सभी में क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ध्यान से देखिए कि कोई सिक्वेंस अगर आपके पास गिवन है, कोई भी सिक्वेंस अगर आपके पास गिवन है, तो आपको करना क्या है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि आप ये देखो, आप ए टू माइनस ए वन फाइंड करो, ए थ्री माइनस ए टू फाइंड करो, ए फोर माइनस ए थ्री फाइंड करो, आप इसको चेक करो। ठीक है बच्चों, कि अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या हो, अगर सपोज करो कोई कॉन्स्टेंट है वो है डी, ये भी डी, ये भी डी, मतलब कि अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए ना कि सेकेंड में फर्स्ट का डिफरेंस डी है, थर्ड में सेकेंड का डिफरेंस डी है, फोर्थ में थर्ड का डिफरेंस डी, ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस एपी को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर फॉर्म एपी, फॉर्म एपी। ठीक है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं कि अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म सेकंड में से फर्स्ट का, थर्ड में से सेकंड का, फोर्थ में से थर्ड का, अगर ये कॉन्स्टेंट डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है बच्चों, है ना, ये कॉन्स्टेंट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है, तो बस इस तरीके से आप ये बताओगे कि एपी है या नहीं है।
क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके उन डाउट्स को भी मैं अपने लेक्चर में इंक्लूड कर सकूं। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर डिफाइन करना है तो हमें क्या क्या चीजों की नीड है। सपोज करो अगर हमारे पास ए को हम अक्सर जनरल लैंग्वेज में फर्स्ट टर्म बोलते हैं, है ना, डिनोट करने के लिए कोई भी प्रोग्रेशन है, कोई भी सीक्वेंस है, उसके फर्स्ट टर्म को हम यूजुअली ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म दे दिया जाए तो क्या आप एपी बता सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि फर्स्ट टर्म से, ये थोड़ी पता चलेगा कि सेकंड टर्म क्या होगा जब तक आपको क्या ना मालूम हो, जब तक आपको कॉमन डिफरेंस ना मालूम हो। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कोई भी एपी को अगर हम डिफाइन करने वाले हैं तो हमें उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, मतलब कि दो इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, दो इंफॉर्मेशन अगर होंगी उसके बेसिस पर हम एपी डिफाइन कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस में 7 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस में 2, ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों हमारे पास माइनस में 2 है, तो बेसिकली आप बता सकते हो कि एपी क्या होगा। देखिए तो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस 7 हो गया, नेक्स्ट टर्म की अगर बच्चों मैं बात करूं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म हम यहां पर ले लेंगे आपके पास माइनस में, आई थिंक नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगा माइनस में 9, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा माइनस में 11, फिर माइनस में 13, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे हो कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस माइनस 9 और माइनस में माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 11 माइनस में माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2। तो बेसिकली क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या बच्चा माइनस 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या बच्चा माइनस 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आपके पास माइनस 2। तो ये एपी आपके पास बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एपी के डिफाइन होने के लिए दो चीजों का मालूम होना में जरूरी है। क्लियर हो गया यहां पर कॉन्सेप्ट, बेसिक से चीजों को उठाऊंगा और बिल्कुल मेजर कॉन्सेप्ट तक, बड़े बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे हम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझना है। चलो अब बच्चों बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, What is the general form of arithmetic progression? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि let's suppose first term, ठीक है बच्चों, जो first term of AP है, जो first term of AP जो है, suppose करो बच्चों A है, arithmetic progression का first term AP, AP का first term क्या है बच्चों A, AP मतलब arithmetic progression, और अगर इसका common difference बच्चों हमारे पास क्या है, इसका common difference सपोज करिए यहां पर अगर डी है फर्स्ट टर्म बच्चों, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए है, कॉमन डिफरेंस डी है बच्चों, तो जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है वो क्या होता है बच्चों, देखिएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d और एज सो ऑन, ठीक है बच्चों, एज सो ऑन। और इस तरीके से ये ए डिनोट करता फर्स्ट टर्म को, ए प्लस डी डिनोट करता सेकेंड टर्म को, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। अब अगर ये फोर्थ टर्म है तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई nth टर्म होगा, अगर कोई nth टर्म होगा तो वो क्या होगा, a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d, ये बेसिकली nth टर्म रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जब फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो d का कोफिशिएंट 3 है, तो nth टर्म की जब बात करेंगे तो d का कोफिशिएंट n माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। अगर जनरल फॉर्म आ गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से जो ये टर्म होता है ना बच्चों a प्लस n माइनस 1 इनटू d, इसी को हम nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अगर मैं बोलूं तो nth टर्म जो ap का होता है, nth टर्म वो क्या बच्चों, a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d, और nth टर्म को बच्चों हम tn से डिनोट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d, और कई बुक्स में बच्चों इसको nth टर्म को an से भी डिनोट करते हैं, कई बुक्स में आपको जनरल टर्म को tn या an से, है ना, तो इसको जनरल nth टर्म बोलूं या फिर हम इसको जनरल टर्म बोलें, दोनों का मतलब क्या है बच्चों, सेम है, जनरल टर्म, ठीक है बच्चों। nth टर्म बोलूं या जनरल टर्म बोलूं, tn से डिनोट करूं या फिर an से डिनोट करूं, ये हमारे पास सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली हमारे पास यहां से निकल करके आता है, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। ये बेसिकली हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी, उसका जनरल टर्म निकल के आ गया।
अब जैसे कि बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। आपको नेक्स्ट टू टर्म्स यहां पर आपको राइट करनी है, ठीक है बच्चों। हर एपी को आइडेंटिफाई करिए कि भाई पहली बात तो बताइए कि वो एपी है या नहीं, फॉर्म एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती भी है कि नहीं करती। नहीं करती है तो कोई फायदा नहीं है, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स आपको बताना है, जैसे कि 4, 10, 16, 22 क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। 4 में जब आपने 6 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 6 ऐड किया तो 16, 16 में 6 ऐड किया तो 22, अब 22 में अगर 6 ऐड करूंगा तो 28 आएगा, और 28 में 6 ऐड करेंगे तो 34 आएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा था। 1 फिर माइनस 1, ठीक है। 1 में आपने क्या ऐड किया, 1 में जब आपने माइनस 2 ऐड कर दिया तो कितना आया, माइनस 1 आया। माइनस 1 में जब माइनस 2 ऐड कर दिया तो माइनस 3 आ गया, माइनस 3 में जब माइनस 2 ऐड कर दिया तो माइनस 5, तो यहां से क्या बनेगा, माइनस में 7 आएगा, माइनस में 9 आएगा, माइनस में 11, जितने मर्जी टर्म लिखवाने लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए माइनस 2 में क्या ऐड किया, माइनस 2 में जब आपने यहां पर क्या ऐड किया बच्चों, ध्यान से देखिए, माइनस 2 में जब आपने 4 ऐड किया तो कितना आया हमारे पास, 2 आया। अब 2 में आपने क्या किया, 2 में जब आपने माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया, देखना यहां पर आपने क्या किया, यहां पर 4 ऐड किया, फिर यहां पर माइनस 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर माइनस 4, तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा, नहीं कर रहा ना, क्योंकि आप प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कर रहे हो। हाँ, बाकी पैटर्न है, हम नंबर इसके बाद का लिख सकते हैं कि माइनस 2 के बाद फिर प्लस 2 आएगा, फिर प्लस 2 के बाद फिर माइनस 2 आएगा, पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। ऐसा ही नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तभी पैटर्न, है ना। तो ये एक एपी फॉर्म नहीं करता। इधर पर अगर आप देखिए तो 1 में 1 क्या ऐड किया, 0 ऐड किया, फिर 1 0 ऐड किया, फिर यहां पर 1 ऐड किया, फिर 0 ऐड किया, फिर 0 ऐड किया, फिर क्या किया, 1, तो क्या एपी फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस नहीं है यहां पर। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो फर्स्ट हुआ और जो सेकंड हुआ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, यही दो एक ऐसी अर्थमेटिक, यही दो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बाकी की सीक्वेंस है, बाकी की सीक्वेंस है लेकिन ये एपी नहीं है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं बाकी के प्रोग्रेशन है लेकिन एपी नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, चलो। तो ये बेसिकली यहां पर हमें चीजों को इस तरह से ऑब्जर्व भी करना है। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो बच्चों बेफिक्र होकर के, बेझिझक होकर के पूछिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अब इस सिचुएशन को समझना और सिचुएशन में बताना है क्या ये सिचुएशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर पा रही है, ये चीज हमें बताना है। क्वेश्चन है बच्चों, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या बच्चों, 15 रुपीज है। उसके बाद अब उसके बाद जो भी कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर आएंगे सब में 8 रुपीज लगेंगे, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का रेंट आपको जो फेयर है वो 15 रुपीज, अब जो नेक्स्ट किलोमीटर आएगा सेकंड किलोमीटर आपको 15 नहीं देने दोबारा, अब आपको 8 रुपीज देने, तो 15 प्लस में 8 बच्चों क्या बनेगा, यहां से बना आपके पास 23, 23 में फिर 8 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 31, 31 में 8 ऐड कर दिया तो 39। तो ये है हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि क्या दिख रहा है, यहां पर अगर आप देखिए तो प्लस 8 ऐड किया, इधर भी क्या है बच्चों प्लस 8 ऐड किया, है ना, इधर भी क्या है बच्चों प्लस 8 ऐड किया। तो ये मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो सिचुएशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है, तो हम बोलेंगे फॉर्म एन एपी, ये सिचुएशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। क्लियर है बच्चों, तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हो ना कि भाई 20 किलोमीटर जाना है तो कितना फेयर लगेगा, सिंपल से बताइए ना। अगर आपसे बोले कि 20 किलोमीटर जाना है तो 20 किलोमीटर जाने के लिए फेयर क्या लगेगा बेटा, मतलब कि अगर हमको T20 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, T20, कि भाई फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 15, सेकंड का 23, फिर 31, तो 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर तो कितना फेयर लगेगा, सिंपल सा। आपको मालूम है कि जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, क्या होता है बच्चा, a प्लस एन माइनस 1, तो 15 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास a है। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो d हमारे पास क्या है, अगर आप देखो d को देखो तो 23 में अगर आपने 15 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, यहां पर 8 आ गया बच्चा, क्लियर है, है ना। तो बस t20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a यानी कि 15, और उसके बाद आपके पास
20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू में आपके पास डी यानी कि 8, तो फेयर निकल के आ जाएगा 15 और प्लस में 19 इंटू 2 8 9 जा 72 कैरी आया, कितना आपके पास 7 आया, 8 1 जा 8 और 8 प्लस 7 क्या होता है 15 होता है, बढ़िया। तो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6, 167 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो 20 किलोमीटर के कितने फेयर आ गया, 167 रुपीस आ गया, क्लियर है। तो मतलब कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है तो इसके हेल्प से हम आगे पर कोई भी टर्म फाइंड करना है, 20th, 30th, 40th, कोई भी टर्म फाइंड करना है, डायरेक्टली हम यहां पर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये फायदा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि भाई जो टैक्सी वाला ना उसने बोल दिया कि साहब फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज, उसके बाद पर किलोमीटर 8 रुपीज चार्ज लगेगा। अब साहब को जाना था कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, कैलकुलेट किया, उन्होंने बोला कि इतने रुपए लगेंगे, तो उन्होंने तुरंत फेयर कैलकुलेट कर लिया, तुरंत फेयर कैलकुलेट कर लिया। जनरली यही तो होता है, मतलब डेली लाइफ में हम यही मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम यही मैथमेटिक्स तो अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई डेली लाइफ में बहुत यूज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जगह जगह पर आप यूज करते हो, क्लियर है। आया समझ में सबको, क्लियर समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बता सकते हो, क्लियर है, बढ़िया। मतलब कि घर में जो मम्मी आपके कैलेंडर पर लिखती है ना कि आज के दिन दूध वाले को इतने रुपए दिए, अगले दिन दूध वाले को इतने रुपए देंगे, तो मतलब मालूम है ना कि अब जो दूध का तो रेट फिक्स है कितने रुपए पर किलोमीटर, तभी तो वो कैलकुलेट करके बता देती है कि पूरे 30th डे पर पूरा टोटल कितना होगा, है ना, क्योंकि मम्मी भी जानती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समझ गए ना। तो आप बता देना कि मम्मी वाओ आप तो एपी जानते हो, आप तो क्या बात है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे, आप लोग सोचते हो ना कि मम्मी पापा को नहीं पता हमें सब आता, ऐसा नहीं है, वो सब पढ़ के छोड़ चुके हैं बेटा, समझ रहे हो, एपी कर रहे हैं वो हर जगह, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। अब आप भी अप्लाई करना, क्लियर। अब जैसे कि सिचुएशन को समझो, यहां पर सिचुएशन में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई मान लो आपके पास ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है मान लो, इस तरीके से कोई सिलेंडर है मान लो, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। अब इस सिलेंडर में क्या है कि सपोज करो मैं बोल देता हूं कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, सपोज करो इसमें 16 केजी एयर प्रेजेंट है, कितना है 16 केजी, ठीक है। अब आप बताइए कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, अब सपोज करो यहां पर एक वैक्यूम पंप है, ठीक है, और वैक्यूम पंप क्या करते हैं, जब एक बार वैक्यूम पंप को प्रेशर करते हैं तो वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को बाहर कर देता है, बोला है कि 1/4 ऑफ द एयर, जितनी भी एयर होती है उसका 1/4 बाहर कर देता है। एक बार जब वैक्यूम करोगे ना, तो पहले कितनी थी 16 केजी थी, एक बार वैक्यूम किया तो 16 का 1/4 क्या होगा 4 केजी, मतलब कि यानी कि उसने क्या कर दिया आपका 1/4 ऑफ एयर, ध्यान से समझिएगा, 1/4 ऑफ एयर उसने बाहर कर दिया, मतलब कि 16 केजी में से उसने 16 का 1/4 4 केजी, तो कितना बचा, अब इसमें मान लो आपके पास 12 केजी रह गया, कितना रह गया बच्चा 12 केजी रह गया, दिमाग लगाना, 16 केजी था, उसने एक बार पंप किया, क्या हुआ 1/4 एयर बाहर, तो 16 का 1/4 4 हुआ, तो 16 में से 4 बाहर कर दो तो 12, तो यानी कि 12 केजी हो गया। अगेन पंप किया, फिर 1/4 बाहर कर दिया, तो 12 का 4 1/4 क्या होगा 3, तो 12 में से 3 बाहर कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या करोगे इसी तरीके से उसके बाद, तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, यहां पर डिफरेंस कितने का 4 का, यहां पर डिफरेंस कितने का 3 का, एपी तो फॉर्म नहीं कर रहा ना, तो ये सिचुएशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करता, ये सिचुएशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करता, क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया जहां पर आप देख पा रहे हो कि एपी फॉर्म नहीं कर रहा, क्लियर है। चलिए भाई अब आगे पर मूव करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 माइनस में 81, ओके, अब आपको बताने कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है जो माइनस का 81 होगा, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81 आपको बताना है। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए और अपने रीजन का आंसर भी बताना है, एक बार सोचो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। चलिए बच्चों तो बेसिकली इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर अगर हम बात करें तो एपी तो हमारे पास गिवन है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का माइनस में 81 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसी कंडीशन पर हमें क्या करना होगा, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए कि पूछ रहा कौन सा टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका माइनस में 81 है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड यहां पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, हाँ जी।
तो ऐसी कंडीशन में बच्चों सपोज कर लेते हैं कि भाई लेट सपोज ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि ये जो टर्म है ये इस एपी का nth टर्म है. क्या सपोज कर लेते हैं एपी का nth टर्म है. तो लेट सपोज nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू आपने सपोज कर लिया माइनस में टी वन. और आपको मालूम है कि nth टर्म क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी होता है, यही होता है. तो आपको मालूम है nth टर्म अगर आपने माइनस 81 लिया तो tn के प्लेस पर माइनस में 81 आएगा. अब बात करेंगे फर्स्ट टर्म की. तो ap का फर्स्ट टर्म हमारे पास 21 है, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और d की वैल्यू अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो d हमारे पास माइनस में 3 हो गया बच्चों. तो अब सॉल्व करते हैं तो 21 माइनस में 3n प्लस में 3 इक्वल टू आपके पास माइनस में 81 आ गया बच्चों. 21 प्लस में 3 24 बन गया. तो यहां से देखिएगा ये हमारे पास क्या आया, माइनस में 81 और ये प्लस का 24 इधर पर आएगा तो माइनस का 24 माइनस में 3n ऐड करिए तो 4 प्लस 1 5 8 प्लस 2 आपके पास 10 हो गया इक्वल टू माइनस में 3n. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 1 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3 3 जा 9 3 5 जा 15. तो बच्चों 35th टर्म हमारे पास क्या आ गया, n, यानी कि जो 35th टर्म होगा यानी कि 35 जो टर्म होगा बच्चों वो क्या होगा आपके पास, माइनस में 81 होगा. यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो हम बोलेंगे 35th टर्म ऑफ द एपी इज माइनस में 81. ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, 35th टर्म ऑफ द एपी इज द माइनस में 81. क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, लिख लो यहां पर 35th टर्म ऑफ द एपी इज माइनस में 81. चलो अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है बच्चों, बोल रहा है कि Is any term is zero? अब ये बताइए क्या इस arithmetic progression का कोई term zero possible है? अब सोचिए इसी question में पूछ लिया कि अभी तो ये देख लिया कि भाई ये हमारा term आपके पास आ गया n की value 35 आ गई. अब पूछ रहा है क्या इस arithmetic progression का कोई term zero होगा? तो अब हमें ये check करना है कि भाई zero इस AP का term है भी या कि नहीं. तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों, हम सपोज कर लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, यानी कि क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या सपोज कर लेंगे कि हम सपोज कर लेंगे जो जीरो है ये हमारा nth टर्म है. अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर आ जाती है, मतलब कि कोई नेचुरल नंबर, अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ जाती है तब तो जीरो उस AP का टर्म होगा. अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर नहीं आती तो AP मतलब जीरो से AP का टर्म नहीं होगा. तो यहां पर हमने सपोज कर लिया तो अगेन जीरो इक्वल टू a प्लस में आपके पास n माइनस 1 इनटू में d, a की वैल्यू 21 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आपने माइनस 3 लिया था यहां पर, ठीक है माइनस में 3. सॉल्व कर लो बच्चों तो 21 और ये बनेगा हमारे पास एक सेकेंड माइनस में आपका 3n और प्लस में आपके पास 3. तो सॉल्व करते हैं तो यहां से कितना आ गया, 21 प्लस में 3 इक्वल टू 0 तो बन गया 24 माइनस में 3n, 3n इक्वल टू 24 तो n इक्वल टू कितना आ गया 8, 3 जा 24, n की वैल्यू क्या आ गई नेचुरल नंबर आ गई. तो इसका मतलब कि यस 0 इज द 8th टर्म ऑफ द AP. हम क्या बोलेंगे कि जो T8 हमारे पास आया बच्चों वो क्या है 0. तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 8th टर्म होगा बच्चों, ठीक है 8th टर्म अगर आप देखिए 21 फिर 18 फिर 15 फिर 15 के बाद यहां पर क्या होगा 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो 3 के मल्टीपल है ये, क्या है 3 के मल्टीपल, तो हमारे पास एक टाइम पर 0 भी आ जाएगा. तो हम क्या बोलेंगे 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0. ठीक है बच्चों 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये क्लियर आ गया, समझ में आ गया, सिंपल हो गया बच्चों. तो इस तरीके से 8th टर्म ऑफ द एपी क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा. चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. अब देखना क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा चेंज आया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से बेटा 20th टर्म पूछ रहा है ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड .253. लास्ट से क्या पूछ रहा है आपका, लास्ट से 20th टर्म. अब सोचिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके पास है वो है 3 है, फिर 8 है, फिर आपके पास 13 है और .. आपके पास 253 है. अगर आप इस एपी की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, डी की अगर मैं बात करूं तो 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 है. अगर आप सपोज करिए कि इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं
अपोजिट डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दूं, मतलब कि अब ऐसे लिख दूं कि 253 को फर्स्ट टर्म बोलूं, उसके बाद अभी कॉमन डिफरेंस क्या है 555 इंक्रीज हो रहा है, इस केस में क्या होगा 555 डिक्रीज हो तो क्या आएगा, तो 253 के पहले का टर्म क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए, 5 डिक्रीज कर दो यहां पर तो आपके पास हो जाएगा 248, फिर क्या होगा 243, इसी तरीके से बच्चों ये आपका ऐसे मूव करता चला जाएगा और फिर ये 3। मैंने कुछ नहीं किया, इस एपी को थोड़ा सा पलट दिया, यहां से स्टार्टिंग से 3 से स्टार्ट और 253 जा रहा था, मैंने 253 से काउंट किया तो ये वापस से 3 तक जाएगा, बस चेंज क्या आया कि इस कंडीशन पर अब फर्स्ट टर्म आपके पास 253 बन गया और जो कॉमन डिफरेंस आपके पास है अब ये कॉमन डिफरेंस इस किस सिनेरियो में माइनस में 5 बन जाएगा। अगर आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म निकाल लेते हो, ये वाली जो एपी अब आपको नजर आ रही है, इस एपी का अगर आप 20th टर्म निकाल लेते हो तो एंड से 20th टर्म हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा सीधे लिखेंगे ए प्लस में आपके पास 19d, 20th टर्म निकालना है ना तो a प्लस में आपके पास 19d, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 253 हो गई और प्लस में 19 और d की वैल्यू माइनस में 5। सॉल्व कर देते हैं बेटा, 253 और 5 9 = 45, तो यहां पर आया आपका 5 कैरी आया 4, 5 1 = 5 और 4 ऐड करोगे तो 9, तो माइनस में 95, तो 253 में से अगर हम क्या कर देते हैं बच्चों 95 माइनस करते हैं तो 13 में से 5 माइनस किया तो 8 आ गया बच्चों, और 15 में से 9 10 माइनस कर दिया तो 5 आ गया और यहां पर आपके पास 1 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 158। क्या आ जाएगा बच्चा 158 हमारा गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट से 20th टर्म होगा। क्या होगा बेटा, लास्ट से 20th टर्म होगा, नोट कर लीजिए। सी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब कंफ्यूज करते हैं, कोई हर फॉर्मूला कंफ्यूज करेगा, इससे बेहतर है कि बस एपी का लास्ट से पूछ रहा है तो बस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लो और जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है अब वो नेगेटिव कर दो, जो गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस है उसको नेगेटिव कर दो और फिर निकाल दो, आपके पास आ जाएगा कि लास्ट से 20th टर्म क्या हो गया 158 निकल के आया। नोट कर लीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्लियर है, आ गया बच्चों समझ में, आ गया कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बताइएगा, क्लियर है सबको, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, सबको क्लियर है, बस ऐसे ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है, चलिए आगे पे मूव करते हैं बच्चों, ये सब सबको समझ में आ गया ना, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बच्चों, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है, हमको क्वेश्चन में दे रहा है हुज थर्ड टर्म इज 16, आपको थर्ड टर्म, तो बच्चों ऐसी कंडीशन पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो सपोज करना है कि लेट सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्या बच्चों फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू ए, एपी का फर्स्ट टर्म सपोज करो आपके पास ए है, ठीक है बच्चों, और अगेन अब मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस आपके आपके पास डी हो गया, ठीक है, तो अब यहां से अगर बोला है थर्ड टर्म, हमको बोला है कि T3 की वैल्यू आपके पास 16 है, तो T3 मतलब क्या हुआ A प्लस में आपके पास बच्चों क्या 2D, A प्लस में 2D की वैल्यू हमारे पास क्या 16 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे पर बोल रहा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो सेवंथ टर्म है वो हमारे फिफ्थ टर्म से यानी कि T5 से 12 ज्यादा है, ग्रेटर है, तो T7 इक्वल टू यानी कि सेवंथ टर्म is exceeds by the fifth term by 12, तो T7 equal to T5 plus में 12 हो गया बच्चों, यही हुआ ना, T7 equal to T5 plus में आपका 12 आ गया। अब अगर हम यहां से देखें बच्चों तो T7 क्या होता है जल्दी से बताइएगा, T7 की अगर मैं बात करूं तो होता है A plus में 6D और T5 होता है A plus में आपके पास 4D plus में 12, A से A को कैंसिल कर दो, 6D में से 4D माइनस करेंगे तो आएगा 2D इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू यहां से आएगा 6, और जैसे ही D की वैल्यू आ गई अब D की वैल्यू को जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आएगा A प्लस में 2D, तो 6 2 = 12 हो गया बच्चों और इक्वल टू 16, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गया, फर्स्ट टर्म भी निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आप बताइए, ठीक है फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस निकल करके आ गया,
एपी क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, ठीक है, और 4 में अगर आपने 6 ऐड कर दिया तो कितना बन गया 10, फिर 16, फिर 22, एसो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एपी निकल करके आ गया। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22, एसो ऑन। क्लियर है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई एक काम कर लो जल्दी से, अब तो क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए। अभी तक मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा कि आज बच्चों को अच्छे तरीके समझाना है, तो अगर क्लास समझ में आ चुकी है तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्लास को शेयर नहीं करोगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि भाई डाउटनेट पर क्लासेस चल रही है। तो सभी बच्चे क्लासेस को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहां पर कंप्लीट होता है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 निकल के, और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो हमारे पास एपी हमको ये फाइंड होगा। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताइएगा, सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब जो बच्चों क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिडिल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -11, -7 और .349। ये बच्चों हमारे पास, तो एपी हमारे पास बच्चों जो गिवन है वो है हमारे पास क्या, माइनस में 11, माइनस में 7, माइनस में 3 और .. बच्चों क्या हमारे पास 14 है। ये एपी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे मिडिल मोस्ट टर्म, क्या पूछ रहे बेटा, मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। मिडिल मोस्ट टर्म की पहले तो आपको यह पता चल जाए कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि -11 से स्टार्ट हो रही है और 49 पर एंड हो रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, हम ये फाइंड करेंगे कि भाई इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो पता चल जाए। वो पता करने का मेथड क्या कि 49 को हम nth टर्म बोलेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि अगर कोई प्रोग्रेशन है, सिक्वेंस है ना, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड है तो जो मिडिल टर्म होता है वो केवल केवल एक मिडिल टर्म मिलता है, वो होता है n+1/2। और जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर उस प्रोग्रेशन में, सिक्वेंस में अगर इवन होते हैं तो दो मिडिल टर्म मिलते हैं, एक तो आपके पास होता है n/2th टर्म और दूसरा n/2+1th टर्म, जो कि आपने आई थिंक स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में मीडियन फाइंड करने में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी होता है, मीडियन फॉर्मूला फाइंड करते टाइम ये यूज भी करते हैं। क्लियर है, चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो nth टर्म है हमारे पास वो 49 है, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब कि a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d हमारे पास 49। a की वैल्यू हमने पुट कर दी बच्चों माइनस में 11, n माइनस 1 और d की वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस 7 और प्लस में 11, ठीक है, तो 4 आ गया। तो d की वैल्यू हमारे पास 4 इनटू में 49। सॉल्व करें माइनस 11 प्लस में 4n माइनस में 4 49, तो 11 और 4 15 बन गया, तो 4n इक्वल टू 49 प्लस में आपके पास 15, तो 9+5 14, 4+1 5, 5+1 6, ठीक है, तो 64, तो n की वैल्यू 64 अपॉन में 4, तो कितना आ गया, सिंपल ये आ गया हमारे पास 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 आ गया, n इक्वल टू 16 आ गया। क्लियर है बच्चों, यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि यहां से लेकर के अगर हम बात करें तो टोटल 16 टर्म्स हैं, और 16 टर्म्स का मतलब बच्चों क्या हुआ, 16 टर्म्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो जो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, यहां पर 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, और 2 मिडिल टर्म का मतलब हुआ कि एक तो पहला मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म होगा आपका n/2th टर्म, ठीक है बच्चों, और दूसरा होगा आपका एंड n/2+1th टर्म। तो n/2 का मतलब अगर n की वैल्यू 16 है तो 16/2 मतलब कि एक तो आपके पास फोर्थ टर्म, सॉरी 16 का मतलब हो गया आपके पास एर्थ टर्म, 16/2 मतलब कि एक तो आपके पास एर्थ टर्म हो गया बच्चों और दूसरा आपके पास नाइन्थ टर्म हो गया। तो बता दो बच्चों t8 क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर एर्थ टर्म फाइंड करूंगा तो t8 होगा हमारे पास a+7d, तो a प्लस में आपके पास 7d, a की वैल्यू माइनस में 11, 7 और d की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये बन गया हमारे पास -11, 7 4 जा 28। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया तो 7 आ गया, 2 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो 17, तो हमारे पास
एट्थ टर्म हमारे पास 17 आ गया. क्या आ गया बच्चा? एट्थ टर्म 17. और सिमिलरली अगर आपसे नाइन्थ टर्म पूछ लेगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि नाइन्थ टर्म क्या आएगा. ए प्लस में आपका 8d, ए की वैल्यू माइनस में 11, 8 इंटू में आपके पास 4, तो माइनस 11 प्लस में 32, तो ये बन गया हमारे पास 1, और 3 में से 1 माइनस किया तो आपका 2 आ गया, 21. तो नाइन्थ टर्म 21. क्लियर है बच्चों? तो एट्थ टर्म हमारे पास आपका निकल करके आई थिंक डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, तुरंत एड ही तो करना था. तो अगर एट्थ टर्म हमारे पास 417 है तो 17 में 4 ऐड करोगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, तो डायरेक्ट 19 टर्म 21 आ जाएगा. क्लियर है? चलो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, है ना. टी 9 फाइंड करना है ना, तो क्या करोगे, टी 8 में आप 4 ऐड कर दोगे तो तब भी 21 आ जाएगा. क्लियर है? चलिए समझ में आ गया. तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. आई होप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा. क्लियर है? अब बेसिकली एक क्वेश्चन है बच्चों, ये है फर्स्ट नेगेटिव टर्म. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेकिन अब थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं. लेकिन अगर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए और इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स का सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट क्लास को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सभी बच्चे अगली क्लास को जरूर से देखिएगा, ठीक है बच्चों? तो आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि आप इतने ही कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों? और ये कुछ क्वेश्चन भी है, ठीक है. तो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में अगर मैं बात करूं, चलो एक क्वेश्चन और, इसको भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो. ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं कि सम ऑफ द थर्ड एंड द एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 7 एंड द सम ऑफ द 7th एंड द 14th टर्म इज -3, फाइंड द 10th टर्म. तो इस क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. और ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा. देखते हैं कितने बच्चे हैं जिसका आंसर लिख करके बताए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. 11th क्लास के बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करके आते हैं, ठीक है बच्चों? एक चैलेंज है आपके लिए, सॉल्व करके आइएगा. सभी बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं ना. अब न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में न्यू चैलेंजेस आएंगे, तो अब एक्सेप्ट करो. क्लियर है? पक्का? तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके सॉल्व करके जरूर से बताइएगा. क्लियर है? बहुत ही बढ़िया. चलो बच्चों, तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी और जो दो क्वेश्चन रह गए वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों? तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.